बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं 117 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं हेडलाइंस। अटक से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। अटक स्कूल वैन फायरिंग। अटक ढेरी कोट के इलाके में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 2 बच्चे जान बहक, 5 बच्चे जख्मी। जख्मियों में स्कूल वैन का ड्राइवर भी शामिल है। रेस्क्यू 112 की टीमें जख्मी बच्चों और लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं। स्कूलों को जदीद तकाजों से हम आहिंग करने, तलबा तलबात के लिए सहूलियात के फराहमी, इनकी मुश्किलात का खात्मा, इनके लिए हुकूमत तमाम वसाइल पूरे कर लाने जैसे दावे धरे के धरे रह गए। शहर के वस्त में वाकया गवर्नमेंट मिलत हाई स्कूल रिनाला कोर्ट जो कयाम पाकिस्तान के बाद से बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने में मसरूफ है। इसकी बोसीदा पुरानी इमारत से किसी भी वक्त नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। प्रेस क्लब सांघर में यूरोपियन यूनियन के ताउन समाजी तंजीम CSSP और डोनर NCA की ज़ेर एहतमाम सोशल यूथ सपोर्ट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक यूरोप यूनियन के 4 साल पावर टू दी यूथ मनसूबे की सिंध में कामयाबियाँ और सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम को उजागर करने और सांघर ज़िला की पसमानदा कम्यूनिटीज़ की माशरती तब्दीली में सिविल सोसाइटी और नौजवानों को शामिल करना के उनवान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खबर शामिल करते हैं। नौकूट से तहसील जुटोर नवाही इलाकों में आधे घंटे की बारिश ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। बच्चों को अगवा करके वालदेन से तावान हासिल करने फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 मुलजमान गिरफ्तार। SSP घोट की जनाब डॉक्टर सुमैर नौचुन्ना साहब के हुक्म पर DSP घोट की अहमद बख्श राहुजा की सरबराही में SHO थाना A सेक्शन घोट की इंस्पेक्टर अख्तर अली अबरू पमाना फ्री और IT के हमरा IT टीम की निशानदेही पर घोट की कच्चा की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक जगह पे छापा मारकर एक मुगविया बच्ची को बासियाब करवा दिया गया। जलालपुर पीरवाला में महंगाई ने गरीब किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों को जरूरत की चीज महंगे तरीन दामों में मिल रही है। किसानों की काश्त किरदा फसलों जिसकी रेट में कमी, मगर बिजली के बिलों और खादों, स्प्रे तेल वगैरह के इजाफे रेट ने किसानों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। खैरपुर नाथन शाह में सैलाब से बचाव कमेटी की मीटिंग में अहम फैसले किए गए। शहर के तमाम सहाफियों को दावत दी जाएगी जिसमें सैलाब से बचाव कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जुमे की नमाज के बाद और इतवार को शहर के अंदर एहतजाज किया जाएगा। नौशेरो फिरोज पब्लिक लाइब्रेरी आवाम के लिए बंद। नौशेरो फिरोज म्यूनसिपल ऑफिस में पानी है, फिलहाल लाइब्रेरी में म्यूनसिपल अमला काम करेगा। नौशेरो फिरोज रिपोर्ट ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक। जिला नौशेरो फिरोज की हदूद से गुजरने वाले दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद होने से कच्चे के सैकड़ों देहात पानी के घेरे में आ चुके हैं। सियात के शोबे में आवाम की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना अपना फाल किरदार अदा करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बरा सियात को मजीद फाल करने की जरूरत है। सियात के दीगर शुबों के साथ साथ आबादी को कंट्रोल करने के लिए महकमा बहबूद आबादी के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मजीद हेडलाइंस और अहम खबरों के लिए देखते रहे 117 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।